सो यार, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन टूल की मदद से अपने इमेज को जूम कर लूँगा। देन उसके बाद मैं पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा एंड हेडर पैनल में जाके पाथ को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे मैं एक सर्कल पाथ बनाऊँगा कुछ इस तरीके से। आई नो कि मेरा सर्कल बिगड़ रहा है, बट आप अपनी तरीके से प्रॉपरली बनाना जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा लगे। सो उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे मेक अ सिलेक्शन सिलेक्ट कर लूँगा। देन लेयर में जाऊँगा और इमेज को मैं रास्टराइज बनाऊँगा। देन लिसो टूल को सिलेक्ट करूँगा एंड मैं राइट क्लिक करूँगा एंड सिलेक्शन को कट कर लूँगा। देन उस लेयर को मैं रिमूव कर दूँगा। सो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। देन फिर से पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस बार मैं हेडर में जाके इसको शेप सिलेक्ट कर लूँगा। देन फिर से मैं यहाँ पे एक शेप बनाऊँगा कुछ इस तरीके से। सो आपको इस बार ये थोड़ा छोटा बनाना है बॉर्डर तक का, जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से आपको इसे बनाना है। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे बना लेता हूँ। सो उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड देन इसका एक स्किन कलर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन लेयर में जाऊँगा और इस लेयर को मैं इमेज कलर के नीचे रख दूँगा कुछ इस तरीके से। देन मैं फिर से पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा एंड इस बार मैं एक बड़ा शेप बनाऊँगा कुछ लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ऐसे। और सो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। सो ये बन जाएगा। उसके बाद मैं इसका भी स्किन कलर चेंज कर लूँगा, कुछ इस तरीके का कलर चेंज करूँगा। सो अभी इस वाले लेयर को मैं जो पहला लेयर है उसके नीचे रख दूँगा, जिससे कि लेयर उसके नीचे आ जाए। तो इसके बाद मैं एक नया लेयर ऐड करूँगा, देन इसको मैं अल्टर प्लस क्लिक की मदद से एक क्लिपिंग मास्क दे दूँगा। देन मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा और ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं इमेज में यहाँ पे इसे पेंट करूँगा कुछ इस तरीके से। पहले इसे रिमूव करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन मैं फिल्टर में जाऊँगा एंड यहाँ पे ब्लर और गॉर्जियन ब्लर। सो यहाँ पे मैं इसे इसका रेडियस बढ़ाऊँगा कुछ इस तरीके से, मैं इसे सेट करूँगा। सो आप भी 47% इसे सेट कर लेना। उसके बाद मैं फिर से ब्रश टूल की मदद से इसके दोनों कोनों पे ऐसे ब्लैक सर्कल बना दूँगा कुछ इस तरीके से। देन फिर से मैं उसी तरीके से फिल्टर में जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा और गॉर्जियन ब्लर में जाऊँगा। सो इस बार इसे हमें घटाना है, इससे इसके दोनों कोनों में अच्छी सी डेप्थ आए कुछ इस तरीके से। हमें इसे घटाना है लाइक 33% में इसे घटा दूँगा। सो उसके बाद मैं अपने ट्रिक के ब्रांच को लाऊँगा और उसे मैं कंट्रोल टी की मदद से छोटा करूँगा। सो यहाँ पे मैं इसे छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे मैं इसे रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि ये लगे कि दोनों कानों में से निकल रहा है। इस तरीके से मैं इसे मैं रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा। सो यार, उसके बाद मैं अपने ब्रांच ट्री को लेयर मास्क दे दूँगा। देन ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ब्लैक कलर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन अपने इमेज में आऊँगा और अपने दोनों कानों के बाजू के एरिया को, एक्स्ट्रा एरिया है, उसे मैं रिमूव करूँगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज करूँगा कुछ इस तरीके से।
और अपने लेयर में जाऊंगा और अपने बर्ड को मैं अनहाइड करूंगा। देन मैं इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा। देन मैं लेयर में जाऊंगा और अपने बैकग्राउंड के लेयर को सिलेक्ट करूंगा। देन एडजस्टमेंट के सिंबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सॉलिड कलर में दे दूंगा। सो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का लाइट कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे मैं इसे पहले सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। देन एफेक्ट्स में जाऊंगा। सो सबसे पहले मैं पहले इसे अच्छा कर देता, देन एफेक्ट्स में जाऊंगा और वहाँ पे जाके मैं इनर ग्लो को सिलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है सेट करके रखा है, इसलिए ये अपने आप अपने बैकग्राउंड में लग गया। सो आप यहाँ पे देख लो, तो मैंने यहाँ पे अपनी ओपेसिटी को कम रखा है, नॉइज़ को बढ़ा के रखा है और यहाँ पे जो अपना क्वालिटी और होता है वो मैंने करके रखा था, आप देख लेना। और यहाँ पे मैंने सोर्स को सेंटर रखा है, सब देख लेना। देन ओके, उसके बाद मैं अपने कलर को चेंज कर दूँगा लाइक दिस। मैं इसको लाइट कलर रखूँगा कुछ इस तरीके का। देन ओके, तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर लेता हूँ बीच। सो यार यहाँ पे हमारा इमेज हो जाएगा रेडी। तो दोस्तों आपको यह इमेज अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।